नकल का ऐसा तरीका हैरान कर देता है। पढ़ना लिखना छोड़कर जो नकल का जुगाड़ जोड़ लेते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के पकड़े जाने पर सनसनीखेज खबर बन जाती है। नकलची कैंडिडेट नकल करने में जितना दिमाग लगाते हैं, काश अगर इतना दिमाग अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाए होते तो अपनी मेहनत से पास हो सकते थे। फिर भी हमारे आज के वीडियो में अगर आप साथ में रहते हैं तो हम आपको दिखाएंगे नकलचियों के ऐसे आइडियाज जिन्हें देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को आप देखें इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियोस को आप आराम से बिना किसी रुकावट के देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेहतरीन वीडियो। वैसे तो परीक्षा का नाम सुनकर अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। एग्जाम हॉल में बैठकर पर्चा हल करना आसान काम नहीं, लेकिन जिसने पढ़ाई की हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कोलकाता के इस लड़की की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। ऐसा लगता था जैसे कि इसने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, केवल चीटिंग के भरोसे ही एग्जाम हॉल में परीक्षा देने आई थी। जब इसकी एक्टिविटी पर गौर किया गया तो वो कुछ स्पेशियस लगी। उसके बाद उसे एक तरफ ले जाकर जब चेकिंग की गई तो उसके पास कोई चिट भी नहीं मिली, लेकिन जब उसके पैरों की जांच की गई तो उस पर बाकायदा चीटिंग का मैटर लिखा हुआ था। जब ये मैडम पकड़ी गई तो फिर गिड़गिड़ाने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं था। उनके चीटिंग करने का इरादा तो सबके सामने जाहिर हो चुका था। साल 2020 और 21 कोविड-19 की पेंडेमिक में इतने खतरनाक और डर में बीते कि दुनिया ने हर चीज का एक नया ही रूप देखा। बच्चों ने भी पढ़ाई लिखाई और परीक्षा का एक नया तरीका सीखा। वो तरीका था ऑनलाइन स्टडी और एग्जाम का। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ एग्जाम भी ऑनलाइन ही देना था। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर ऐसे बच्चे भी शामिल हुए जो पढ़ाई लिखाई करने और ईमानदारी से परीक्षा देने की बजाय चीटिंग करके एग्जाम देने पर भरोसा करते थे। ये लड़की भी उन्हीं में से एक थी। ये भी अपनी परीक्षा दे रही थी, लेकिन अपने मोबाइल फोन के जरिए नकल करने का इसने पूरा उपाय कर रखा था। ये अपने मोबाइल को कैमरे की नजर से नहीं बचा पाई और बेचारी फंस गई। फाइनली इसके सामने बैठे एग्जामर ने इससे क्या कहा वो आप भी देखिए और इसकी हालत को समझने की कोशिश कीजिए। जल्दी करो, पॉकेट से फोन निकालो, एक बार दिखाओ बच्चे, और उसको साइड में रख दो, निकाल के साइड में रख दो, टेबल से दूर रख दो उसको निकाल के फोन को। हाँ निकालो, ये फोन जो नीचे रख रहे हो ना, अभी आपकी यूएमसी बन गई है बच्चे, अभी आपकी यूएमसी बन गई है। कोरोना काल आया तो मास्क पहनना सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन इस मास्क पहनने की कंपल्शन ने कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम में चीटिंग करने का नया आइडिया इंप्लीमेंट करने का मौका दे दिया। यहाँ ये स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में मास्क का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते नजर आए। उन्होंने अपने मास्क में ही सिम कार्ड और ब्लूटूथ डिवाइस को इंस्टॉल कर लिया। मास्क बनाने वाली कंपनियों को भी हैरानी होगी कि उनके बनाए गए मास्क का कोई इस तरीके से चीटिंग डिवाइस बनाकर यूज कर सकता है, ये तो उन्होंने खुद नहीं सोचा था। अब जरा इस ऑनलाइन एग्जाम सेंटर का भी हाल देखिए। इस क्लिप को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा था। उन्होंने यहाँ पे जाके अपना मोबाइल लिया है, उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो पूरी तरीके से ऑथराइज्ड है, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और बिना किसी के गुंजाइश के से नहीं बना, वीडियो प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अभी भी टाइम यहाँ पर चल रहा है, नाम चेंज है, देखिए दो जगह एक ही साथ सिस्टम चल रहा है अभी भी, और पेपर जबकि टाइपिंग का समय है। ये मल्टी लॉगिन, इस बच्चे की मल्टी लॉगिन है, जबकि इसका कोई गलती नहीं है। बच्चे ने सिर्फ ये किया था कि नकल करने वाले के लिए अगेंस्ट खड़ा हुआ, इसका नकल हुआ था, इसके अगेंस्ट लड़का खड़ा हुआ, तो उसका लॉगिन यहाँ से हटाकर दूसरी जगह ऑटोमेटिक लॉगिन हो गई, और वो अभी भी वीडियो चल रहा है, प्रॉपर तरीके चल रहा है, प्रॉपर तरीके से। भाई अभी भाई बैठा हुआ था बगल में, इसका पेपर चल रहा था, प्रत्यक्ष गवाह है, नकल कर रहा था, मैंने पकड़ने की कोशिश किया लेकिन वो भाग गया। ठीक है, पूरे सेंटर ने मदद की है, पूरे सेंटर मैनेजमेंट दिया है भागने के लिए, क्योंकि कोई भी आ नहीं जा सकता, एग्जाम के बीच में कोई आ जा नहीं सकता है। इस एग्जामिनेशन सेंटर में ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा था। इस ऑनलाइन एग्जाम के दौरान कुछ कैंडिडेट्स के लिए बाकायदा पूरे के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को हैक करके एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था। जो स्टूडेंट एक जगह लॉगिन है वो दूसरी जगह बैठा था और उसका एग्जाम कंफर्म हुआ जा रहा था। अब मिलिए टीचर्स के इस सरदार से। एग्जाम हॉल में परीक्षा देने आए कुछ कैंडिडेट्स लाइन लगाकर खड़े हुए थे। उन्हें
कंपनी में से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसे जब चेक किया गया तो वो पूरी की पूरी चीटिंग की किताब बनकर आया। उसने अपने पूरे बदन पर इतनी चिट चिपका रखी थी कि देखने वाले भी हैरान रह गए। उसकी जीन्स के पैंट के नीचे से चिट निकल रही थी, इतना ही नहीं उसकी अंडरवियर के भीतर से भी चिट निकल रही थी। ये लड़का जितना होशियार था उतना बेशरम भी, क्योंकि इसने अपने अंडरवियर में एक दो नहीं बल्कि कई सारी एग्जामिनेशन चिट छुपा रखी थी। एग्जाम लेने वालों ने इसके बदन पर चिपकी एक एक चिट को निकाल दिया। अरे बाप, मम्मी से मांग रहे की दीदी से। अभी रिकॉर्डिंग हो गया इसका, अभी गया काम से। रबर किससे मांगा है? मम्मी से की दीदी से की कनिया से? अरे देख तेरा कृपा, अभी रिकॉर्डिंग गया तुम। वाह, पूरा पूरा पोथिये ले आया है, पूरा पोथिये लाया है। अरे बाप, अरे तेरा के नीचे 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 करो, नीचे करो, उसको नीचे करो। हाँ, चड्डी में है क्या इसका? देखिए 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 देखिए, है तो निकाल दो। काहे फूला ले जे, हाइड्रोसिल बड़ा लगा। देखो जल्दी देखो देखो, आए तो निकालो, हमको लड़ाई तो निकालो जल्दी। कोची है रे? कोची कोची है? अरे है, राम राम राम, निकाल निकाल, पूरा फुला के हाइड्रोसिल बढ़ा के रखा है तू। ऑपरेशन कीजिए, ऑपरेशन। राम राम भाई, चीटिंग रोकने वाले जितने होशियार होते हैं, चीटिंग करने वाले उनसे भी दो कदम आगे होते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो जरा उत्तर प्रदेश के इस कैंडिडेट को देखिए जो यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए आया था। ये देखने में बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन एग्जामिनर की नजर से इसकी होशियारी बच नहीं सकी। उन्होंने इसके चीटिंग करने के तरीके को पकड़ ही लिया, पर इसके चीटिंग करने का तरीका बड़ा ही अजीब था। इसने चीटिंग करने के लिए एक ऐसी विग तैयार की थी जो इसके बालों से हूबहू मिलती जुलती थी। उसने उस विग में ही सारे चीटिंग मटेरियल को सेट करके रखा। उसके विग के भीतर का पूरा वायरलेस सिस्टम मौजूद था जो उसके कान में लगे ब्लूटूथ से कनेक्टेड था। बस वो तमाम आंसर को सुनता जाता और लिखने की तैयारी में था। उसने इस विग को अपने सिर पर इस तरीके से रखा कि देखने से ये पता ही नहीं चलता था कि उसके ये बाल ओरिजिनल हैं कि नहीं, बल्कि विग वाले हैं। लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में चेकिंग करने वालों को इस लड़के पर डाउट हुआ और उन्होंने इसे एक तरफ निकालकर अच्छे से चेक करना शुरू किया और फिर इसके बालों को पकड़कर इसकी सारी होशियारी इसके सिर के ऊपर से निकाल ली। स्मार्टफोन और स्मार्ट बिग के जरिए चीटिंग करने के तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन आप जरा स्मार्ट स्लीपर के जरिए चीटिंग करने का एक नमूना ये भी देख लीजिए। राजस्थान में नीट की परीक्षा के दौरान कैंडिडेट्स कुछ इस तरीके के चप्पल पहनकर आए थे कि उस चप्पल के भीतर चीटिंग करने का पूरा सिस्टम फिट किया गया। ये एक ऐसी हाईटेक चप्पल थी जिसके भीतर पूरा का पूरा वायरलेस सिस्टम फिट किया गया था। इस सिस्टम के जरिए उसके कानों में लगे ब्लूटूथ को कनेक्ट किया गया था जिससे कि वो आसानी से चीटिंग कर सके। जिन टेक्निकल जुगाड़ बाजों ने इस तरह की चीटिंग वाली स्मार्ट चप्पल बनाई थी, उन्होंने इस तरीके के कुल 25 चप्पलों को 5-7 लाख रुपए में कैंडिडेट्स को बेचा, लेकिन इनमें से केवल 7 या 8 कैंडिडेट ही इस चप्पल के साथ चीटिंग करते हुए पकड़े गए। बाकी कैंडिडेट्स का क्या हुआ? क्या वो इस स्मार्ट चप्पल के सहारे एग्जाम की नैया पार कर गए? ये सोचने वाली बात है। वैसे तो सरकार एग्जाम हॉल में नकल को रोकने के लिए एक से बढ़कर एक नियम कानून लेकर आती है, नए नए टेक्निकल सिस्टम को लॉन्च करती है, लेकिन इस देश में ऐसे भी एग्जामिनेशन हॉल और एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे जहां बाकायदा स्टूडेंट्स को चीटिंग कराई जाती है। ये हरियाणा के झज्जर का एक एग्जामिनेशन सेंटर है जहां पर स्टूडेंट्स को कुछ इस तरीके से बाकायदा चीटिंग कराई जा रही है। किसी ने एग्जामिनेशन हॉल के भीतर कैमरा ओपन किया, फिर बाकायदा टीचर और स्टूडेंट्स की ये हरकत रिकॉर्ड हो गई, जहां ये गधे स्टूडेंट्स भी बार बार चीटिंग कर रहे थे। जब टीचर को ये एहसास हुआ कि खिड़की से लगा हुआ कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है तो खिड़की ही बंद कर दी गई, मगर तब तक तो इनकी पोल खुल चुकी थी। भाई, एग्जाम हॉल में चीटिंग करने वाले चीटिंग करने का कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अगर आप चीटिंग करके एग्जामिनेशन को पास भी कर लेते हैं तो आपके भीतर स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी। ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से डिग्री लेकर भी बेरोजगार और बेकार बैठे रहते हैं। आज का जमाना केवल अच्छे नंबरों वाले सर्टिफिकेट्स का नहीं बल्कि अच्छा काम करने वाले वर्कर्स का ही है जिनके भीतर बाकायदा स्किल्स हो। इसीलिए कोशिश होनी चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स लाइफ के दौरान हम अपने भीतर के स्किल को डेवलप करें, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखें। वैसे आपका एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग करने वालों के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।